आज हम लोग देखेंगे कि फ्लटर क्या है, क्या इसके प्रोज है, क्या इसके कॉन्स हैं और क्या ये अभी आप लोगों को सीखना चाहिए या नहीं सीखना चाहिए। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी। सो बेसिकली फ्लटर ना गूगल की तरफ से लाया गया एक ओपन सोर्स SDK है जिसका यूज़ किया जाएगा नेटिव एंड्रॉयड और iOS एप्स बनाने के लिए विद अ सिंगल कोड बेस। एक ही कोड के साथ आप लोग अपने एंड्रॉयड के भी ऐप्स बना सकते हैं और अपने नेटिव iOS की भी ऐप्स बना सकते हैं। ये इसका पर्पस है, इसलिए ये लाया जा रहा है फ्लटर। और इसका एक और ये भी पर्पस है कि एक फास्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस मिले ताकि आप लोग जल्दी से अपने दोनों प्लेटफॉर्म के लिए ऐप्स बना सकें। और अगर मैं इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करूँ तो इसमें रिक्वायरमेंट्स कुछ ऐसी है कि आप लोगों को विंडोज़, मैक या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए रहेगा। स्पेस आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 GB के अराउंड चाहिए रहेगा। एंड एडिटर की अगर मैं बात करूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर में एडिट करना है, कौन से नोटपैड में एडिट करना है, तो एज सच ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप लोग चाहे तो उसे नोटपैड में भी बना सकते हैं। बट वॉट दे हैव रिकमेंडेड इज़ कि अगर आप लोग कोई एंड्रॉयड स्टूडियो जैसा कोई टूल यूज़ करते हो, जैसे अगर आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो और VS कोड, उन्होंने ये दो रिकमेंडेशन दिए हैं, ये टूल्स को यूज़ करके आप लोग का डेवलपमेंट थोड़ा ईजी हो जाएगा, डिबगिंग में ईजी हो जाएगा, आप लोगों को लॉग लॉग स्टेटमेंट फाइल करने में इजी हो जाएगा, ऑटो कम्प्लीशन और सजेस्टेड मेथड्स जो रहते हैं उसमें भी इजी हो जाएगा। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप लोग एंड्रॉयड स्टूडियो या VS कोड का यूज़ करें फ्लटर में ऐप्स डेवलप करने के लिए। अब अगर मैं इसमें लैंग्वेज की बात करूँ तो इसमें लैंग्वेज यूज़ करी जा रही है डार्ट। नाउ डार्ट इज सपोज टू बी एन ईजी लैंग्वेज कंपेयर टू जावा, कॉटलिन या स्विफ्ट एंड अ मोर पावरफुल लैंग्वेज। ठीक है, तो डार्ट इज़ अ वेरी गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ फ्लटर। इसमें काफ़ी ईजी भी है और काफ़ी पावरफुल एंड अ कंप्लीट लैंग्वेज, तो इट्स अ गुड लैंग्वेज टू स्टार्ट विथ फ्लटर। अब अगर मैं इसके लुक एंड फील की बात करूँ तो उसके लिए गूगल वालों ने एक ऐप को प्ले स्टोर पर पब्लिश किया है। मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कैसा लुक एंड फील आ रहा है एक ऐप का जो बनाया गया है फ्लटर के थ्रू। और आप लोग उसको इंस्टॉल करके अपने एंड्रॉयड में देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने गिटहब पे भी उसका ओपन सोर्स कोड दिया है, मतलब उसका कोड उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। तो वहाँ पे आप लोग गिटहब पे भी जाके कोड को भी देख सकते हैं कि क्या उन्होंने कोड किया है उस पर्टिकुलर ऐप को बनाने के लिए। तो वहाँ से आपको लुक एंड फील का अंदाज़ा लग जाएगा। और इससे पहले मैं ये बताऊँ कि क्या अभी आप लोगों को वो चीज़ सीखनी चाहिए या नहीं सीखनी चाहिए, हम लोग देखते हैं कि इसके क्या प्रोज है और क्या कॉन्स हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि क्या ये आप लोगों को अभी सीखनी चाहिए कि नहीं सीखनी चाहिए। तो अगर मैं प्रोज की बात करूँ तो प्रोज देखो यार, इसमें एक तो ये एक सबसे बड़ा प्रो है कि आप एक ही कोड बेस के साथ दोनों के लिए ऐप्स बना सकते हो। मीन्स अपने एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी आप लोग एक ही बार में दोनों के लिए ऐप्स बना सकते हो, तो इट्स वेरी फास्ट। सेकेंड जो इसका प्रो है वो ये है कि इसमें हॉट रीलोडिंग है। हॉट रीलोडिंग क्या होती है? हॉट रीलोडिंग मीन्स अगर आप लोग कभी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया होगा तो पहले वो कंपाइल करता है, फिर वो आपके मोबाइल में जाता है, फिर इंस्टॉल होता है, फिर वो आपके मोबाइल में वो ऐप चलता है ना। हॉट रीलोडिंग इज़ जस्ट लाइक कि अगर आप लोगों ने कभी वेब डिज़ाइन पे काम किया होगा, आप लोगों ने सेव किया, रिफ्रेश किया और आप लोगों की वेब डिज़ाइन अपडेट हो गई, तो इसमें भी ऐसा ही होगा हॉट रीलोडिंग में भी कि आप लोग कोई भी चेंजेस सेव करेंगे एंड देन रिफ्रेश करेंगे एंड देन वो डिज़ाइन उसी टाइम ऑन द स्पॉट अपडेट हो जाएगी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड ये काफ़ी डेवलपमेंट टाइम भी सेव करेगा। थर्ड इसका एडवांटेज है इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि मैंने कहा डार्ट यूज़ करी जा रही है एंड डार्ट काफ़ी पावरफुल लैंग्वेज है, प्लस इट इज़ क्वाइट सिंपल टू लर्न। फोर्थ की बात करूँ तो फ्लटर का यूज़ फ्यूचर में भी किया जाएगा फ्यूशिया OS के लिए। फ्यूशिया OS पे मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग चाहें तो वो वीडियो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि फ्यूशिया OS क्या है और अगर आप लोगों को उसके ऐप्स डेवलप करने हैं तो वो फ्लटर में ही बनाए जाएंगे। एट प्रेजेंट नहीं, बट डाउन द लाइन 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर्स वो फ्लटर में ही बनाए जाएंगे, नेटिव जो ऐप्स रहेंगे उसके। फिफ्थ बहुत बड़ा मेजर पॉइंट ये है कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि परफॉर्मेंस में कोई इफेक्ट तो नहीं आएगा, कि हम लोगों ने एक ऐप बनाया है एंड्रॉयड स्टूडियो में और हम लोगों ने एक ऐप बनाया है अब फ्लटर में, तो क्या परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज आएंगे? तो इसमें आपको परफॉर्मेंस में कोई इश्यूज नहीं आएगा। जैसा वो आप लोगों का नेटिव ऐप परफॉर्म करेगा एंड्रॉयड स्टूडियो वाला या फिर स्विफ्ट वाला, वैसे ही आप लोगों के ये वाले फ्लटर वाले ऐप्स भी परफॉर्म करेंगे, तो परफॉर्मेंस विल बी एट पार। अब मैं इसके कॉन्स या डिसएडवांटेज की बात करता हूँ तो इसमें पहला कॉन तो ये है कि जो अभी इसकी कम्युनिटी है वो थोड़ी छोटी है। मीन्स आप लोगों को जितनी जावा और स्विफ्ट की कम्युनिटी मिलेगी उतनी आप लोगों को फ्लटर की नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी ये नया आया है। एंड इसका डिसएडवांटेज ये है कम्युनिटी छोटी होने का,
कि आप लोगों को एरर प्रॉब्लम जब आएगी तो वो जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो उसके सॉल्यूशन शायद से आपको इतने इजीली नहीं मिले। जब भी मैं एंड्रॉयड स्टूडियो में कोड करता हूँ, कभी कोई एरर आता है, कभी कोई मुझे कॉन्सोल में कोई एरर दिखता है, आई एम क्वाइट श्योर कि अगर मैं उसे सर्च करूंगा कोई ना कोई आंसर मेरे को मिल ही जाएगा गूगल पे। बट सेम ऐसा फ्लटर के साथ नहीं होगा। फ्लटर पे हो सकता है कि जितने भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आए उन सब के सॉल्यूशन शायद से एट प्रेजेंट नहीं मिले, एंड यू हैव टू डिग डीपर और आप लोग खुद ही सॉल्व करने पड़ सकते हैं। सेकेंड जो इसका मुझे कॉन लगा है वो ये है कि इसमें एट प्रेजेंट लिमिटेड SDK अवेलेबल है, या फिर लिमिटेड प्लगइन्स बोल सकता हूँ मैं, कंपेयर टू जावा या फिर स्विफ्ट, जहाँ पे हर चीज़ के लिए आप लोगों के पास एक SDK है, एक लाइब्रेरी है, वॉट एवर यू कैन थिंक ऑफ वहाँ पे आप लोगों को एक लाइब्रेरी मिल जाएगी, बट सेम यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पे SDK की लिमिटेशंस है एट प्रेजेंट। और अगर मैं थर्ड कॉन की बात करूँ तो थर्ड कॉन ये है कि जब आप लोग iOS के एप्स डेवलप करेंगे तो उसके लिए आप लोगों के पास मैक मशीन होनी चाहिए। मीन्स आप लोग एक कोड बेस के साथ दोनों के ऐप्स तो डेवलप कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को टेस्ट करने के लिए मैक की मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों को डिप्लॉय करने के लिए मैक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप लोग विंडोज़ मशीन में iOS के ऐप्स नहीं डेवलप कर पाएंगे, तो दैट्स अ डिसएडवांटेज फॉर मी। लेकिन लेकिन इसका भी एक वर्क अराउंड है, आप लोग एक्सटर्नल सर्विस जैसे ट्रैविस हो गई उसका यूज़ करके मैक के लिए भी iOS के लिए भी एप्स डेवलप कर पाएंगे अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है। फोर्थ जो मेरे को इसका कॉन लगा वो ये लगा कि इसमें एक सिंगल फाइल रहती है जो आपके UI के लिए भी रहेगी और आपके मेन कोड और फंक्शनिंग वाला पार्ट भी उसी फाइल में रहेगा। नाउ अगर आप लोगों ने कभी एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया होगा तो आप लोग पता होगा कि UI वाली जो फाइल रहती है वो अलग रहती है, ठीक है। UI आप लोग कोड करते हैं XML में, XML की फाइल अलग रहती है और आपकी डॉट जावा वाली फाइल अलग रहती है जहाँ पे आप लोग कोड लिखते हैं। सो इट्स ईजी अगर दोनों फाइल सेपरेट हों, बट यहाँ पे दोनों फाइल एक ही रहेंगी। मीन्स पहले आप लोग लिखेंगे अपने UI का पार्ट, उसके नीचे लिखेंगे आप लोग अपने कोड फंक्शनिंग का पार्ट। तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, थोड़ा दोनों को अलग अलग किया जा सकता था, बट स्टिल इट्स नॉट अ मेजर कॉन वंस यू गेट यूज टू इट। मुझे नहीं लगता कि इतना इफेक्ट करेगा आप लोगों को। सो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या आप लोगों को फ्लटर सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए। देखो यार, फ्लटर जो है ना वो एक बिजनेस सॉल्यूशन है। मीन्स बिजनेस सॉल्यूशन मीन्स ये कंपनीज के लिए बनाया गया है ताकि वो लोग अपने दोनों ऐप्स एक साथ बना सके, एंड इट विल हेल्प देम सेव टाइम एंड मनी, ठीक है। ये बिजनेस वालों के लिए, नॉट फॉर इंडिविजुअल डेवलपर्स। और मीन्स यूज़ तो कर ही सकते हैं, बट इनका जो मेन पर्पस है, मेन टारगेट है, वो है बिजनेस कॉरपोरेट्स, ठीक है। तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि इन माई पर्सनल ओपिनियन कि फ्लटर तभी सीखो जब आपको कोई लैंग्वेज पहले से आती हो, ठीक है। आप फिर आप लोगों को मतलब कोई एक अच्छी स्ट्रांग पकड़ हो आपकी किसी पहले कोई भी लैंग्वेज पे, चाहे वो PHP हो, पाइथन हो, आप लोगों ने पहले अच्छे मेजर प्रोजेक्ट्स करे हो उस पर, तब आप लोग फ्लटर सीखो। या फिर अगर आप लोगों की इतनी स्ट्रांग नहीं है तो व्हाट आई रिकमेंड इज कि एट प्रेजेंट गो फॉर नेटिव ऐप डेवलपमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग फ्लटर पे जंप कर सकते हैं, क्योंकि नेटिव ऐप डेवलपमेंट थोड़ा इजी रहेगा आप लोगों के, उसको रिसोर्सेस ज़्यादा अबंडेंस में मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को पहले से नेटिव ऐप डेवलपमेंट की फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आप लोग डायरेक्टली फ्लटर सीख सकते हैं, देर इज़ नो हार्म इन दैट। एंड अगर आप लोगों का मेन पर्पस है डाउन द लाइन, मीन्स अगले 1-2 साल में जॉब लेना या फिर फ्रीलांस मार्केट पे अपनी पकड़ करना, तो भी आप लोग फ्लटर सीख सकते हैं। इसकी डिमांड धीरे 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 बढ़ती जा रही है, तो ये चीज़ आप लोगों को हेल्प करेगी जॉब में, कॉरपोरेट सेक्टर में एंटर करने के लिए या फिर फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स लेने पे। तो आप लोग उसके लिए भी फ्लटर सीख सकते हैं। और फ्यूशिया OS जिसके बारे में मैंने पहले भी मेंशन किया था, उस OS के लिए भी जो एप्स बनेंगे वो बनेंगे हमारे फ्लटर में ही। फ्लटर फ्रेमवर्क का यूज़ करेंगे, उससे हम लोग ऐप्स डेवलप करेंगे, नेटिव ऐप्स डेवलप करेंगे फ्यूशिया OS के लिए इन फ्यूचर। सो वॉट आई कैन से राइट नाउ इज फ्लटर इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। सो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको कुछ वैल्यू मिली हो तो इसे थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।